हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज अपडेट्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इश्क में मैं जाऊँ सीज़न 3 ममता मैम से अपडेट्स कुछ देने वाली हूँ। सो या इस वीडियो के इन तक बने रहेगा। सो गाइस, आप लोगों को पहले इश्क में मैं जाऊँ सीज़न 3 से रिलेटेड बता देती हूँ। तो इश्क में मैं जाऊँ सीज़न 3 से रिलेटेड आया है, जो हमारे रियान जोड़ी है वो अगर जीत गए, और हमारे अगर इश्क में मैं जाऊँ सीज़न 2 आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स में जीत गए, तो हमारे जो सीज़न 3 जल्द ही आना पक्का है। ये जो है अपडेट्स आए हैं, कंफर्म अपडेट्स है ये। एंड अगर नहीं जीता तो भी हमारे जो कलर्स वाले हैं, अगर वहाँ पर अगर कोई शो अगर टीआरपी अच्छी नहीं आती है, तो उस शो को रिप्लेस करके हमारा इसमें सीज़न 3 आ सकता है। एंड कलर्स वाले ऑफ़र करेंगे तो ममता मैम लाएगी, और अगर ममता मैम लाई तो अच्छी बात है। ये दो चीज़ हो सकती है इसमें मजाओं सीज़न, मतलब तीन चीज़ हो सकती है। तीन चीज़ अगर होएगी तो तीन चीज़ में से कोई एक चीज़ होएगी तो हमारे इसमें मजाओं सीज़न 3 आएगी। मैं फर्स्ट तो है, अगर आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स में जीत जाएगी तो आएगी, अगर ममता मैम कुछ सोचेगी अगर चाहेगी तो आएगी इसमें मजाओं सीज़न 3। अगर कलर्स वाले अगर चाहेंगे, अगर ममता मैम को ऑफर करेंगे फिर आएगी। तीन रास्ते, उसी से हमारे मैं जाऊँ सीज़न 3 आ सकती है, और कहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो और एक चीज़ बता दूँ, अब ममता मैम के न्यू प्रोजेक्ट में क्या रियाज रहेंगे, ममता मैम का कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, चल रहा है कुछ भी, तो बता दूँ ममता मैम का अभी कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। बट अपडेट आया था कि ममता मैम जो है वो कोई न्यू प्रोजेक्ट ला रही है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना कि हमारे जो ममता मैम है उनका कोई प्रोजेक्ट का जो स्क्रिप्ट पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट रहता है वो पूरा का पूरा रेडी हो गया है। अब बस उनको जो है बस कोई जोड़ी चाहिए, कोई मतलब काश ये वो ये सब करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो बता दूँ यही सारे अपडेट्स आए थे। एंड बता दूँ हमारे ममता मैम का जो है कोई न्यू प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है, एंड अगर चलता तो वो इंस्टाग्राम पर हमें इंस्टाग्राम के ज़रिए वो हमें बता ही देते, बट अभी चल नहीं रहा है तो वो किससे बताए। तो आप लोग बता दूँ यही सारे अपडेट्स आए थे। एंड हमारी ममता मैम, हमारे राहुल, सुधीर, हेलिशा, इन लोग के हाथ में थोड़ी है जो वो इश्क में मजाओं सीज़न 3 को ला देंगे, अभी किसी शो को ऑफर कर देंगे, उन लोग के हाथ में कुछ भी नहीं होता। कलर्स वाले और जो चैनल वाले एंड जो मेकर होता है उसी के हाथ में ही सारी की सारी चीज़ें होते हैं। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं किसी न किसी न्यू वीडियो के साथ।